ओके, तो फेज एरर, व्हाट इज फेज एरर? आई हैव ऑलरेडी सी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सिग्नल. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सिग्नल? सिग्नल शुड बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस अगेंस्ट एनी बैकग्राउंड. किसी भी बैकग्राउंड में जो हमारा सिग्नल हो, दैट शुड बी विजिबल, है ना. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द सिग्नल शुड बी इजी एंड एक्यूरेट बाय सेक्शन बाय सेक्ट बाय टेलीस्कोप. सिग्नल हमारा किसी भी टेलीस्कोप से इजिली क्या हो, एक्यूरेटली एंड इजिली बाइसेक्ट हो जाए, है ना. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट वर्टिकल पोल जनरली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नॉट इन जिगजैग फॉर्म. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द सिग्नल शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली सेंटर ओवर द स्टेशन मार्क. जो भी हम लोग सिग्नल यूज करेंगे, दैट शुड बी एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क. क्लियर है? फेज ऑफ सिग्नल, तो फेज फेज एरर कहाँ पे क्रिएट होता है जनरली? तो जब हम लोग सिग्नल को फिक्स करते हैं एट द स्टेशन और हम लोग रीडिंग अगर लेते हैं आइदर बाय टेलीस्कोप और थीडोलाइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा जो सिग्नल है दैट इज इन सर्कुलर शेप, है ना. सिग्नल अगर सर्कुलर शेप में है, हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, थीडोलाइट के थ्रू उसको साइट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके उसका जो एंगल होता है ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट के वजह से जो एक्चुअल एंगल आना चाहिए वो एंगल नहीं आ पाता है, ठीक है. उस जो एंगल मेजरमेंट हमने किया दैट हैव सम एरर, तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज अ मेथड दैट इज फेज एरर. तो व्हाट इज फेज एरर? तो हियर आई शेयर माय स्क्रीन. What is phase error? Okay, see this diagram. Here, circular part is the part of signal, existing signal. जो मेरा existing signal है वो किस step में है? If that is in circular shape, तो उस condition में हमारा जो actual center point था that is O. But हमने जो reading लिया, रीडिंग हमने कहां से ले लिया? फ्रॉम ओ डैश. इन दैट केस ओ इज द सेंटर ऑफ सिग्नल एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ओ ओ डैश विद द फॉल्स सेंटर. एक्चुअल सेंटर इज ओ एंड फॉल्स सेंटर इज ओ डैश. आर इज द रेडियस ऑफ सिग्नल एंड ए इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. क्लियर है? ए हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, जहां पे हमारा थीडोलाइट फिक्स है. तो जो एंगल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज फेज एरर ई इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू डी साइन वन. क्योंकि हमने प्राइमरी ट्रायंगुलेशन यूज किया है तो हम लोग यहाँ पे जो डिग्री का एरर लेंगे दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है. क्लियर है? तो यहाँ से जो एरर का वैल्यू आएगा उससे हम लोग अपना सिग्नल के रीडिंग में जो एरर कैलकुलेट होगा दैट शुड बी मिनिमाइज. हमने यहाँ से अपना एरर कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टावर. अभी तक हमने सिग्नल पढ़ा. वेयर वी यूज टावर? सिग्नल एंड टावर. टावर इज आल्सो यूज्ड एज सिग्नल. जिस तरह से हम लोग सिग्नल यूज करते हैं ना, टावर भी बिल्कुल सेम कंडीशन में यूज किया जाता है. फॉर सेम पर्पस, नॉट इन सेम कंडीशन, सेम पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टावर. तो सिग्नल का पर्पस था यूज करने का कि अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से अपने स्टेशन को हमें विजिबल बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया, सिग्नल को इरेक्ट किया. अभी क्या है, सिग्नल का जनरली जो हमने हाइट देखा दैट इज 6 किलोमीटर, है ना. जो ऑप्टिक सिग्नल यूज हो रहा था उसका जो हाइट था दैट इज 6 to 10 किलोमीटर.
तो 6 to 10 किलोमीटर, बट अगर हम लोग को उससे भी हाईएस्ट सिग्नल का रिक्वायरमेंट है ना, उससे भी हाईएस्ट विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टावर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कहाँ पे? एट ए स्टेशन। तो टावर इज इरेक्टेड एट द ट्रांसमिशन स्टेशन व्हेन द स्टेशन और सिग्नल और बोथ हार्ड टू बी एलिवेटेड टू मेक इंडिविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन। अगर स्टेशन के बीच का विजिबिलिटी लेस है बट हमें उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टावर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाइट ऑफ टावर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड लेंथ ऑफ साइट। मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मेरा किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइट। तो उसके बेसिस पे हम लोग हाइट ऑफ टावर डिसाइड करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। टावर जनरली है टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। टावर हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। आउटर स्ट्रक्चर इज फॉर सपोर्टिंग द ऑब्जर्वर एंड द सिग्नल, वेयर एज द इनर वन इज फॉर सपोर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट ओनली। टू पार्ट होता है हमारा टावर का, दैट इज आउटर एंड इनर। आउटर स्ट्रक्चर हमारा किस पर्पस के लिए होता है, फॉर सपोर्टिंग द ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर एंड सिग्नल। एंड इनर पार्ट फॉर द सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली। ठीक है, द टू स्ट्रक्चर आर मेड इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो दैट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वर डज नॉट डिस्टर्ब द इंस्ट्रूमेंट सेटिंग। जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है टावर का, पार्ट वन एंड पार्ट टू, पार्ट वन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वर एंड सिग्नल एंड सेकेंड पार्ट इज द फॉर इंस्ट्रूमेंट। दोनों ही पार्ट हमारा क्या होता है, इंटायरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ क्या, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग एंड इन डिफरेंट वे। टावर मेड ऑफ मशीनरी, टिम्बर और स्टील। जो भी टावर होता है दैट इज मेड ऑफ आइदर वो मशीनरी, मतलब कॉन्क्रीट मशीनरी का बना होगा, आइदर वो टिम्बर मतलब वुड का बना होगा, या फिर स्टील का बना होगा। क्लियर है? जनरली जो टावर का हाइट होता है दैट इज 50 मीटर। जनरली जो हाइट होता है टावर का दैट इज 50 मीटर। कुछ इस तरह का टावर का कंस्ट्रक्शन होता है। दिस इज विजुअल टू ऑल। टावर एक वन टाइप्स ऑफ टावर, देयर इज टू पार्ट ऑफ टावर, टू पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट इज टू पार्ट। फर्स्ट इज द आउटर टावर, सेकेंड इज द इनर। दिस इज विजुअल टू ऑल। ये एरो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज इनर पार्ट ऑफ टावर, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ टावर। आउटर पार्ट का पर्पस क्या है, फॉर ऑब्जर्वर एंड फॉर सिग्नल। सेकेंड पार्ट हमारा किसके लिए होता है, सेकेंड पार्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। यहाँ पे लैंप फिक्स है, यहाँ पे विंडो बनाया हुआ, कुछ इस तरह का टावर होता है फॉर ट्रायंगुलेशन पर्पस। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, यस और नो कुछ तो बोलो। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अभी तक हमने देखा सिग्नल एंड टावर। नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्राइटेरिया है हमारा ट्रायंगुलेशन स्टेशन सेलेक्ट करने का, है ना, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। स्टेशन हमने ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया पढ़ा, अब हम लोग स्टेशन सिलेक्शन के लिए, कहाँ पे हम लोग स्टेशन का फॉर्मेशन बनाएंगे, कहाँ पे हम लोग स्टेशन का पॉइंट डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट इज द ट्रायंगुलेशन स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल। जो भी हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशन मार्क कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, दैट शुड बी इंटरविजिबल। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन इंटरविजिबल हो, दिखना चाहिए। स्टेशन शुड बी इजिली एक्सेसिबल विथ इंस्ट्रूमेंट। जो भी स्टेशन हमने बनाया है वो इजिली एक्सेसिबल हो, किसके लिए, फॉर इंस्ट्रूमेंट। स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो ट्रायंगल का जो एपेक्स होता है दैट इज
जो एपेक्स होता है उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल, तो हर एक वेल कंडीशन ट्रायंगल पे क्या होना चाहिए, एक स्टेशन फॉर्म करना चाहिए। A station should be located so that the survey line are neither too small nor too long. Station जो हमारा इस तरह से construct करना चाहिए, locate करना चाहिए, ताकि जो survey line हो neither too small हो nor too long हो, बहुत ही ज्यादा length नहीं, बहुत ही small नहीं होना चाहिए उसका distance, clear है। Small site cause error of bisection and centering and long side cause distance error as the signal become too indistinct for accurate bisection. Reason क्या है? Too small and too long का, अगर मेरा too long होगा तो bisection में problem होगा, और too small अगर रहेगा तो क्या होगा, centering और bisection में भी problem हो सकती है। इसलिए जो station इस तरह से locate करना चाहिए कि survey line neither small nor too long हो, clear है। Station should be useful for providing intersected point and also for detailed survey. Station को, station कैसा होना चाहिए कि intersected point and detailed survey को provide कर सके। Station point कुछ ऐसे जगह पे fix करना चाहिए ताकि वो survey detail में हमें help करे, easily हम लोग सर्वे पॉइंट्स उसका मतलब जो लेंथ और चेक पॉइंट है वो इजीली बना पाए, ओके। तो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ, फॉर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग सर्वे स्टेशन, सॉरी ट्रायंगुलेशन स्टेशन, ट्रायंगुलेशन स्टेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी एंड हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है उसका हाइट क्या है? तो फर्स्ट इज द इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन इन ट्रायंगुलेशन। तो बहुत ही एसेंशियल है इंटरविजिबिलिटी होना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन सर्वे का ये बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है, बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है। What is the point? The point is the station should be intervisible, है ना? हर एक station क्या हो, एक दूसरे से intervisible होना चाहिए। When the distance between a station is too large or too less, क्या हमारा problem होता है? ये हमने देखा। Too large or elevation difference is both less both signal and station to be elevated to overcome the effect of earth curvature. अगर हमारा टू लार्ज है तो उससे क्या होगा, अर्थ का कर्वेचर भी इफेक्ट करेगा। ऑलरेडी हमने ये जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए हम ट्रायंगुलेशन करते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा लार्ज है उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है मतलब जो विजिबिलिटी है स्टेशन का वो लेस हो जाएगा। इसकी वजह से कर्व का जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसका इफेक्ट आ सकता है। द कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ सिग्नल and instrument depend on the following factor. What is the factor for the calculation of signal, height of signal? First is the distance between the station, second is the relative elevation of the station, third is the profile of intervening ground. Okay, three factor pe depend karta hai height of signal, height of station, that is the first point is the distance between the station, second is the relative elevation of the station, third is the profile of intervening ground. So what about first point, that is the distance between a station. So distance between a station kis tarah ka hona chahiye, if the intervening ground doesn't obstruct the intervisibility, the distance of origin from the station is known as the elevation, is given by the following formula. कौन सा formula से हम distance use करते हैं? That is given by this formula, h equal to d square by 2r into 1 minus 2n, where h is the, where h you can also show in diagram. Here is the h, small h. Here is the d. ये d हमारा क्या दे देगा? This d gives distance, है ना? Distance of a station, intervisibility distance. ठीक है, ये h हमारा क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ स्टेशन एबव द डैम।
so sorry not dam datum height of a station जहां पे हमने स्टेशन को फिक्स किया है एवं द ग्राउंड ग्राउंड पे वहां से डिस्टेंस कितना है h, तो इससे हमें एक रिलेशन मिल जाता है, ये हमारा क्या है अर्थ का सेंटर है d स्क्वायर बाय 2r इनटू 1 माइनस 2m वेयर m इज द मीन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन टेकन एज 0.07 फॉर साइट ओवर लैंड एंड 0.08 फॉर साइट ओवर सी। देखो यहाँ पे हमने कुछ डिराइव नहीं किया है या फिर हम लोग कुछ रिलेशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जनरली किया जाता है, कोई छोटे पर्पस के लिए यूज नहीं होता। तो जो भी फॉर्मूला या जंक्शन से जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी सर्वे डिपार्टमेंट से फिक्स कर दिया गया है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से आया, कहाँ से हमने रिफ्रैक्शन मीन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन यूज किया 0.07 एंड 0.08, ये ऑलरेडी स्टडी करके वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने वाली बात है। तो हमें बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज h इक्वल टू 0.06735 d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था कर्वेचर एरर निकालने के लिए, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जब हमने लेबलिंग पढ़ रहा था वहां पे भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। सेम फॉर्मूला का हमें यहाँ पे यूज करना है, यहाँ से हमें हाइट ऑफ सिग्नल और यहाँ से हमें डिस्टेंस ऑफ इंटरविजिबिलिटी निकल जाएगा। इंटरविजिबिलिटी डिस्टेंस, d इज द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला सबको, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है ये वाली, यहाँ से हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट मेथड इज द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशन। अगर दो स्टेशन के बीच का कुछ वैल्यू दिया रहे वहां से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेशन का हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। This figure is visible to everyone. Here is the curve portion हमारा क्या शो कर रहा है? ये curve portion शो कर रहा है हमारा ground surface, है ना? क्योंकि ये long distance पे है, तो इसका curvature effect दिखाया। ये T हमारा कोई median mid point है, ये D distance है दो station के बीच का distance, ठीक है? मतलब जो earth surface है, that is also datum, datum line. बी ए डैश और बी डैश हमारा क्या है, स्टेशन का सिग्नल का हाइट है, ठीक है। स्टेशन का पॉइंट क्या क्या है, स्टेशन का पॉइंट है हमारा ए और बी, हाइट कितना है एच ए और एच बी, ठीक है। मान लो कि हमने ए पॉइंट पे अपना थीटोराइट फिक्स किया, टेलीस्कोप फिक्स किया, बी को देख रहा है, तो बी को जब देखेंगे तो डी टू रिफ्रैक्शन डी टू अर्थ कर्वेचर हमारा जो हाइट है वो थोड़ा लेस दिखेगा, है ना। तो उसी चीज को दिखाया गया है V double dash के टर्म में। तो देखते हैं, here distance between two station A and B of height HA and HB respectively is D, distance D है, height of signal हमारा क्या है HA और HB है, clear है। DA and DB are the distance of visible horizon from A and B, D और DB क्या है, मतलब ये बहुत ही long distance पे है, distance इतना है कि दोनों station एक दूसरे से visible नहीं है, but जो d डिस्टेंस है उसके बीच में पहला स्टेशन से जो विजिबिलिटी है दैट इज da, और जो स्टेशन b से जो विजिबिलिटी है वो क्या है db, मतलब da और db तक हम लोग क्या क्लियरली देख सकते हैं, कहाँ से, जब हम लोग a पे स्टेशन a स्टेशन पे हमने जब थीटा लाइट लगाया तो हम लोग da तक नहीं देख सकते हैं क्लियरली, b तक नहीं देख सकते। मैम जहाँ पर मतलब t पॉइंट है वहीं पर देख सकते हैं ना मैम दोनों स्टेशन से? हाँ एग्जैक्टली, उसी तरह से अगर हमने B पे अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो हम लोग DB डिस्टेंस तक देख सकते हैं, उससे आगे का नहीं देख सकते, मतलब दोनों ही स्टेशन हमारा क्या है इंटरविजिबल नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ओके, डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया DB का इन टर्म्स ऑफ DA। एच डैश बी कैन बी कैलकुलेट बाई चेक वेदर टू बी रेज्ड अबव द ग्राउंड, नॉर्मली द लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया ना। फिर यहाँ से TA तक का जो प्रीवियस फॉर्मूला था इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट जो नॉर्मली लाइन ऑफ साइट कितना लिया जाता है दैट इज 3 मीटर अबव द ग्राउंड एज रिफ्रैक्शन इज द मैक्सिमम नियर द ग्राउंड।
अगर रिफ्रैक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम है तो 3 मीटर डिस्टेंस तक का हम लोग ले सकते हैं लाइन ऑफ साइट। थर्ड मेथड था हमारा प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। बस मैं तुम लोग को ये बोलूंगी कि ये फॉर्मूला सबको विजुअल है ना, जीटी मैग्रो, जीटी मैग्रो ने और क्या दिया था, मैकॉज ने अभी क्या दिया था, मैंने अभी आती क्लास में पढ़ाया, कैप्टन जीटी मैकॉज ने क्या दिया था, इसके पहले पढ़े हो ना अभी, नाइट सिग्नल का दिया था, ल्यूमिनस नाइट सिग्नल का डिजाइन उन्होंने के द्वारा किया था। एग्जैक्टली, ल्यूमिनस सिग्नल का डिजाइन। तो ये फॉर्मूला है जो कि तुम लोग को यूज करने की नहीं है, बस बस एक बार देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। रिलेशन हमारा ये है, डायग्राम में विजुअल होगा कुछ इस तरह से, ये इंटरवेनिंग ग्राउंड, प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड कंडीशन में, जो अभी हमने कंडीशन पढ़ा सेम एज, ओके। फॉर्मूला हमें कुछ इस तरह का मिलता है, यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ सिग्नल कैलकुलेट कर लेते हैं। This formula is given by GT Macross formula. Okay, clear है? तो signal क्या है, tower क्या है, कैसे हम लोग signal का erection करते हैं, phase error क्या है ना, height हम लोग कैसे निकालते हैं signal का, अगर visible हो तो intervisibility है तो, अगर intervisibility नहीं है तो फिर हम लोग कैसे calculate करते हैं height and distance, हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज एरर एंड मेजरमेंट एंड फिगर एडजस्टमेंट। तो जो फिगर एडजस्टमेंट का जो पार्ट है थर्ड मॉडल में, एरर एडजस्टमेंट चैप्टर में, उसमें हम लोग ट्रायंगुलेशन फिगर का एडजस्टमेंट करके एरर का मेजरमेंट, एरर को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो चैप्टर दिया गया है। तो तुम लोग का ट्रायंगुलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।